नमस्ते अंकित, नमस्ते फैज। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। अंकित, आप हमें थोड़ा अपने बारे में बताइए। मैम, मेरा नाम अंकित है और मैं गुड़गांव हरियाणा का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ पे 2013 में आया था मैम। मेरा स्टडी पढ़ाई यहीं से स्टार्ट हुआ और मैंने अभी ग्रेजुएशन कम्प्लीट कर लिया है। अच्छा जी मैम। और आप नेशनल लेवल जूडो प्लेयर हैं? जी मैम, मैं 5 नेशनल खेल करता है। वेरी गुड। फैज, आप अपने बारे में बताइए। मैम, मेरा नाम फैज़ है और मैं यहाँ पे मैम 2020 में आया था सेंटर में और यहाँ पे मैम मैंने जूडो खेलना शुरू किया था 2021 में और अब तक मैम मैंने 3 नेशनल खेल चुका हूँ और जिसमें कि तीनों में मेरे मेडल हैं। और पढ़ाई में मैम मैं अभी 11th क्लास में पढ़ाई कर रहा हूँ, मैंने यहीं से 10th किया था मैम। अच्छा, तो अपने पहले नेशनल में मेडल पाना कैसा लगा आपको? मैम, मेरे को बहुत अच्छा लगा था क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं गया था पहली बार खेलने, उतना मैं नहीं जानता था, थोड़ा मैं डर भी रहा था। तो सर ने मेरे को बोला कोई बात नहीं, जैसा होगा ठीक है, अच्छा करियो बस अपनी तरफ से। और मैम मैंने पहली बार 2 फाइट निकाली थी जिसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया था फर्स्ट टाइम नेशनल में। और सर का सपोर्ट था, थोड़ा डर भी था अंदर से क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं गया था खेलने। मैम मैंने कभी जूडो खेला नहीं था, यहीं आके सीखा हुआ जूडो। और पहली बार मेरा मैम ब्रॉन्ज मेडल आया था। उसके बाद सेकंड बार गया मैं नेशनल खेलने 2022 में, उसमें मैम मेरा सिल्वर मेडल आया था। और अभी 23 में भी मेरा मेडल था मैम, ब्रॉन्ज मेडल नेशनल में। वेरी गुड, ठीक है। तो अंकित, आप बताइए आपको जूडो में रुचि कैसे हुई शुरू में? मैम, जूडो तो ऐसे हम पहले नाम पर सुनते लेकिन पता नहीं था जूडो क्या है। जब मैं आया था सर, हमें पहले रनिंग और एथलेटिक्स सर कराते, क्रिकेट वगैरह खिलाते थे सर। तो सर यहाँ पे जूडो भी स्टार्ट किए 2019 में स्टार्ट किए थे। तो मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मैंने हैदराबाद में हमारा सिलेक्शन हुआ था नेशनल में। गेम हमारा अच्छा रहा, मैंने 4 फाइट निकाली थी लेकिन मतलब मेडल नहीं आया था। अभी मैं नेशनल में 2 ब्रॉन्ज है। अरे वाह। और जूडो में पसंद इसलिए है कि मैम जूडो टेक्निक, पावर, स्टेमिना और उनका गेम है और हम नॉर्मल प्लेयर से भी कॉम्पीट कर सकते हैं। हम नॉर्मल प्लेयर से भी खेलते हैं, हमारा वहाँ भी मेडल होता है। अरे वाह। और हमारे कोच साहब, हमारे और नरेंद्र सर का सपोर्ट हमेशा रहता है, बोलते हैं हमेशा बढ़िया खेलना तुम, हम मेडल वाला की तो आएगा ना आएगा। बहुत बढ़िया, हम अच्छा खेलते हैं, मेडल भी आता है। बहुत बढ़िया। फैज, आप बताइए अगर किसी बच्चे को जूडो लेना हो तो उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? मैम, पहली चीज़ उसके अंदर मतलब बॉडी में स्टेमिना होनी चाहिए मैम, पावर होनी चाहिए और माइंड वगैरह भी ठीक रहना चाहिए क्योंकि जूडो में दिमाग का भी इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि कब कौन सी टेक्निक लग सकती है कहाँ से। और पावर भी चाहिए साथ साथ क्योंकि पावर से हमें खींचना होता है अपनी तरफ को, पार्टनर को। और स्टेमिना भी होना चाहिए जिससे कि हमारी जल्दी जल्दी सांस ना फूले मैम फाइट करते हुए। बहुत बढ़िया। अंकित, आप बताओ कि जूडो प्लेयर को इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट क्या क्या चाहिए होती है? मैम, सपोर्ट चाहिए बस, ड्रेसेस थोड़ी हमारी एक्सपेंसिव होती हैं। ड्रेस हमारी गेम ऐसा है कि ड्रेस के बगैर टेक्निक ड्रेस के बगैर नहीं खेल सकता वो प्लेयर। तो सबसे फर्स्ट तो ड्रेस होनी चाहिए और मैट भी हमारे एक्सपेंसिव, तो मैट चाहिए होते हैं और अच्छा कोच हो तो बस यही है। रफली कितना खर्चा होता है एक जूडो प्लेयर का नेशनल्स के लिए? मैम, रफली 20,000 के आसपास हो जाता है एक प्लेयर खेलने जाता है। ठीक है, थैंक यू अंकित, थैंक यू फैज। थैंक यू मैम।